गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। 26 जनवरी की छुट्टियों के बाद पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार स्वागत है। और पिछली कक्षा में मैं बात कर रहा था सालिंग भूम गांव के बारे में। और सालिंग भूम गांव के अलावा आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है जेंडर रोल्स इन डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। तो जो डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स वाला पार्ट है वो हम लोग का बचा हुआ है पार्ट। तो डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को मैं मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स में बांट करके लाया हूँ, या उसको इस प्रकार से मैंने सिस्टमेटिक किया है ताकि वह किसी भी सांस्कृतिक बैकग्राउंड के आधार पर, कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर पूरे तरीके से उस पर फिट बैठ सके, अच्छे तरीके से उस पर वह फिट हो सके। जैसे कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे आयाम चले आते हैं। जेंडर रोल्स इन डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में हम लोग ग्रामीण और शहरी संस्कृति को भी ले सकते हैं, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर, यह एक प्रकार का डिफरेंस हो गया। उसके बाद ट्रेडिशनल अर्थात जो परंपरा में चीजें चली आ रही है, ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न कल्चर, आधुनिक संस्कृति। उसी प्रकार से हम पश्चिमी और पूर्वी के रूप में ले सकते हैं, पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, इस रूप में संस्कृति को अंतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कई सारे आधारों पर हम संस्कृति को एक दूसरे से भी ठहरा सकते हैं। निवास के स्थान पर भी, बोलचाल के स्थान पे, भाषा के आधार पे कई सारे संस्कृतियों का निर्माण होता है। एवं प्रत्येक संस्कृति के अंदर एक यह गुण होता है कि संस्कृति जो है वह अपने आसपास की संस्कृति से क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात संस्कृति कुछ चीजों को ग्रहण भी करती है और अपनी कुछ चीजें दूसरी संस्कृति को प्रदान भी करती है, अर्थात इंटरचेंजेबल। संस्कृति का एक सबसे बड़ा गुण है इंटरचेंजेबल, अर्थात यह क्या है, एक दूसरे पे निर्भर होती है। तो इन सारे कारकों को मोटे तौर पे तीन चार फैक्टर्स में मैंने बांट करके आपको यह ग्राफ दिया है, बताया है कि सालिंग भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स सालिंग भूमिका को क्या करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स को आज हम जानेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि सालिंग भूमिकाओं को चाहे वो किसी भी संस्कृति पृष्ठभूमि की बात हो, किसी भी संस्कृति की बात हो, उसमें मोटे तौर पे ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो कारक फैक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर जेंडर रोल्स। उसमें से सबसे पहला है आपका व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगुण, पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स में आपका ये आप देख रहे हैं व्यक्तिगुण है। पर्सनल ट्रेट्स में आपका है कि कोई भी संस्कृति हो, कोई भी पृष्ठभूमि हो, उसमें यह जाकर के फिट बैठता है कि व्यक्तिगुण के अंतर्गत माना जाता है कि पुरुषों के लिए उसमें स्वावलंबी होने, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात की जाती है, या वहां पे जो पुरुषवाची लिंग भूमिकाएं हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वह स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। जबकि महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे परावलंबी हो, उनको माना जाता है कि पुरुषों पर आश्रित होने वाले हो। इसका भी कुछ एक दो अपवाद है, जैसे कि ये पुरुष जब स्वावलंबी हो, अर्थात पुरुषवाची गुण का स्वावलंबन का अर्थ है कि यह ट्रेडिशनल प्रकार के कल्चर को क्या करता है, डिनोट्स करता है, बताता है। जबकि मॉडर्न प्रकार के जो कल्चर है उसमें ये चीजें अब क्या है, बहुत हद तक छूट गई है पीछे या छूटती जा रही है। इसमें महिलाएं भी क्या है, स्वावलंबी धीरे धीरे बनती जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट, और पुरुष तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। और कहीं कहीं अभी देखने को आ रहा है, या कहीं कुछ कल्चर्स में ऐसा है जो मातृ प्रधान कल्चर्स हैं, मातृत्व जहां की प्रमुख भूमिका में रहती है, वहां पे क्या है, मातृशक्ति प्रमुख भूमिका में रहती है, वहां पे महिलाएं जो होती है
स्वावलंबी होते हैं और पुरुष होते हैं जो प्रावलंबी होते हैं। लेकिन मेजरली अधिकांशतः जो व्यक्तिगत गुण है पुरुष और महिला का, किसी भी शालीन गुण का प्रभावित करने वाले, चाहे वो किसी भी कल्चर की बात हो, मोटे तौर पे यह गुण का वहां पे फिट बैठती है कि पुरुषों को स्वावलंबी और महिलाओं को प्रावलंबी होना चाहिए, या ऐसा गुण है जो इसी भूमिका को प्रभावित करता है। अब दूसरा है घरेलू व्यवहार, डोमेस्टिक बिहेवियर। डोमेस्टिक बिहेवियर के अंतर्गत भी इसे पुरुष और स्त्री दो रूपों में बांटा गया, पुरुषवाची और महिलावाची। तो पुरुषवाची शालीन भूमिकाओं में यह माना जाता है कि घरेलू व्यवहार पुरुषों का होगा कैसा, बहिर्मुखी, बाहर की ओर, अर्थात बाहरी दुनिया से संबंधित चीजें, अर्थात अपने से बाहर की ओर, और महिलाओं के लिए है अंतर्मुखी, अंतर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। मतलब ये बाहर से अंदर की ओर की कार्य को देखेगी, व्यवहार को करेगी, और ये अंदर से बाहर की जितनी जरूरत की चीजें हैं उन व्यवहारों के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, पुरुषवाची और महिलावाची। तो घरेलू व्यवहार में इसमें है कि पुरुषों के द्वारा घर की जरूरतों को पूर्ति हेतु किए जाने वाले प्रत्येक कार्य, प्रत्येक व्यवहार जो कि बाहर की दुनिया में संपादित किए जाते हैं, और महिला के लिए यह है, महिलावाची के लिए वैसा घरेलू व्यवहार, बच्चों की देखभाल, मैंने पहले भी बताया, बच्चों की देखभाल, जरूरत की सारी चीजों को प्रिपेयर करना एवं घर की गृहस्थी के अन्य सारे कार्यों को व्यवस्थित रखने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। और जहां तक इस बाह्य व्यवस्था से सवाल है पुरुषों के लिए, तो एक कहावत भी है अक्सर हम लोग के समाज में या हम लोग का जो संस्कृति है इसमें बोला जाता है कि बेटा और लोटा जो होता है जितना बाहर रहता है उतना उसमें चमक रहता है, अर्थात बेटा मतलब पुरुषवाची और लोटा अर्थात यूज के मामले में है ये जो कहावत है कि इसका जितना यूटिलाइज किया जाता है उतना ये निखरता है, उसमें निखार आता है। तो बेटा जितना बाहर निकल के काम करेगा, जितना बाहर दुनिया के संपर्क में रहेगा, उसमें क्या आएगा, निखार आएगा, चमक आएगा, अर्थात वो उतना ज्यादा इनकम करेगा। और बर्तन के रूप में लोटे का उदाहरण दिया गया, वो जितना यूज में आएगा वो उतनी बार क्या होगा, धोया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो उसमें क्या बना रहेगा, चमक बना रहेगा। तो यह अर्थ हुआ कि बेटा और लोटा बाहर चमकता है, या घरेलू व्यवहार से संबंधित चीजें। अब आते हैं पेशागत, कि पेशा के आधार पे जो उसका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशनल रिफरेंस के आधार पे जो जेंडर रोल्स है वह कैसे प्रभावित होती है और डिटरमाइनिंग फैक्टर्स उसका क्या है। तो जनरल तौर पे, मोटे तौर पे पेशा के रूप में पुरुषों के लिए ऐसे पेशे की वकालत की जाती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज के द्वारा, या हमारे संस्कृति में यह चीजें चली आ रही है, जो कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक श्रेष्ठ मानी हुई है, अर्थात उसमें शारीरिक बल अथवा कहिए कि मानसिक बल जो महिलाओं के लिए कार्य है, महिलावाची के लिए, उसके मुकाबले उसमें ज्यादा कुछ जरूरत पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि चीजें, पायलट होना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेल डोमिनेंस की चीजें मानी जाती है, पुरुष सत्तात्मक। हालांकि ये चीजें ट्रेडिशनली रूप से बहुत सही रेलिवेंट थी, लेकिन अब आजकल धीरे धीरे इसमें भी क्या है, धीरे धीरे अब बदलाव बड़ी तेजी से आता जा रहा है, बदलता जा रहा है। वही महिलाओं के लिए अगर हम ऑक्यूपेशनल ट्रेंड्स में देखें तो महिला शिक्षक का कार्य, टीचर और नर्स, इन सबों के लिए महिलाओं को ज्यादा फिट माना जाता है, अर्थात वो आदर्श होती है। और चौथे जो पॉइंट है वो है शारीरिक विन्यास, अर्थात फिजिकल अपीयरेंस, या कहिए कि शारीरिक रूप से वो किस प्रकार से शालीन भूमिकाओं को प्रभावित करता है। तो उसमें पुरुषवाची है कि वो माचो मैन, शक्तिशाली, पावरफुल, मतलब धर्मेंद्र लगना चाहिए, ही मैन, यह है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए है शारीरिक रूप से कि वह सुंदर होनी चाहिए, साथ ही साथ आकर्षक तथा अट्रैक्टिव। और महिलाओं के लिए इसलिए मेकअप करने की चीजें, बने ठहरने की चीजें,
अक्सर ये होता है कि महिलाओं को समाज में इस तरह से देखा जाता है कि जो श्रृंगार वगैरह की चीजें हैं, साज सजा की चीजें हैं, मतलब इस मेंटालिटी के साथ उनका अपब्रिंगिंग भी होता है और कल्चरली ये चीजें चलती भी आ रही है कि महिला है तो इनको सजने का अधिकार है, इनको श्रृंगार करने का अधिकार है। और ऐसी चीजें भी है, आप जितने भी चीजें लीजिए बाजार में, जो भी चीजें हैं श्रृंगार की चीजें हैं या सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, ये सारी चीजें अट्रैक्टिव जितनी भी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती है, सुंदरता को निखारने का काम करते हैं, यह पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का यहाँ पे क्या है, एक अधिकार बहुत ज्यादा है, अर्थात ये फीमेल डोमिनेट सारी चीजें हैं। तो शारीरिक विन्यास के तौर पर हम शालिक भू का प्रभावित करने वाले ये कारक देख रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चार कारकों के आधार पर आप विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन चीजों को कहीं भी अपडेट करके देख सकते हैं, ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, प्राचीन जो है आपका ट्रेडिशनल, आधुनिक, पश्चिमी, पूर्वी, इस मामले में भारतीय, विदेशी, कहीं भी किसी भी चीज में ये मोटे तौर पे आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेशागत आधार पर हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है, देखने में आता है चीजें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अर्थात आज भी गांव में जो महिलाएं हैं वह क्या है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी अर्थात महिलाओं का जो ट्रेडिशनली चलता है घर के अंदर के कार्य को करते, लेकिन वही चीज हम शहरी संस्कृति में देखेंगे तो क्या है, शहरी संस्कृति में महिला इससे जस्ट क्या है, उल्टा इस रोल को निभा रही है, बाहर भी निकल रही है, काम कर रही है, घर को भी संभाल रही है। इसी तरह से आप सभी संस्कृतियों पर इन चीजों को फिट करके देखेंगे तो आप कुछ चीजें बड़ी क्लियरली अच्छे से समझ में आएगी आपको, यह क्लियर होगा। तो आज आपका यह जो चैप्टर है मैं समझता हूं अपने गंतव्य को पहुंच चुका है, और कल से मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग अपने सिलेबस को फिर से एक बार देखिए, समझिए कि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में क्या है पढ़ना, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग आज देखेंगे, समझेंगे और साथ ही कुछ हमसे संवाद करने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो इसी के साथ आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आज के लिए ओवर एंड आउट।